महानगर के थाना कटघर अंतर्गत सूरजनगर पीतल बस्ती फल मंडी निवासी बिंदिया रानी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। मंगलवार को बिंदिया रानी पत्नी स्वर्गीय सचिन कुमार द्वारा एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसकी शादी वर्ष 2012 में जनपद रामपुर में रफत कॉलोनी ज्वालानगर निवासी सचिन कुमार पुत्र रंजन लाल से हुई थी। उसके पास दो बच्चे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति की कोरोना काल के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको घर से निकाल दिया है। उसके पति पाले जी कंपनी में सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे, जिनकी 1 मई 2021 को कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी। तभी से ससुराल के लोगों ने उसके पति की दुकान पर भी कब्जा कर लिया है और घर से निकाल दिया है, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय थाना पुलिस को की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग पीड़िता द्वारा उठाई गई है। पीड़िता बिंदिया रानी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए बताया, और कह रहे हैं कि हमारा लड़का अब नहीं रहा, तुमसे कोई संबंध नहीं है, सारी घर मकान पे सब पे कब्जा कर लिया अपना। दो देवर हैं वो नजायज परेशान कर रहे हैं, और नंद है वो भी बहुत परेशान कर रही है, जबकि नंद का दो जगह से डिवोर्स हो चुका है, वो यहीं रहती है परमानेंट। आपके पति की मृत्यु कैसे हुई थी? कोविड से हुई। कितना समय बीत गया इस बात को? उनकी अभी 2 महीने हुए हैं, 1 मई को हुई है। आपको घर से निकाल दिया, इसमें आपने कोई शिकायत की? आज आप किससे मिले? आज हम आए थे एसएसपी ऑफिस आए थे। जो आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं वो किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? मारपीट कर रहे हैं, सारा घर का मतलब सामान सब ले लिया, जो दहेज में माँ बापों ने सब लिया था, ताला तोड़ लिया घर का, सब सामान निकाल लिया। आने पर शिकायत की थी आपने? किस तरह की कार्रवाई की गई थाने पुलिस द्वारा? अभी तो कार्रवाई का तो खड़ी ही कहाँ गई। आप क्या चाहते हो इसमें? मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा सपोर्ट मिले, क्योंकि मैंने पूरा घर परिवार बहुत अच्छे से निभाया है, 9 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, पूरी गृहस्थी को लेके चली हूँ, कभी अकेले नहीं सोचा, और मेरे हस्बैंड की जॉब भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से करा है परिवार को लेकर, दुकान खरीदी उन्होंने और वो भी अपने माँ बाप के नाम कर दी, तब भी हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, हमने की कोई नहीं कि सब कुछ चलो हस्बैंड है सब कुछ कर लेंगे, वही है सब कुछ करने वाले, मगर अब वो नहीं रहा तो किसको कर रहा है? ये ससुराल वालों ने इतना परेशान करके घर से बेग निकाल के खड़ा कर दिया, बच्चों को नहीं पूछा है, 2 महीने हो गए।